देश भर में आज कांग्रेस पार्टी का पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर प्रोटेस्ट है। ऐसे में लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आप देख सकते हैं कि इन सभी के हाथों में पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ जो नरेला विधानसभा के पूर्व विधायक हैं उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं इनकी, और यदि सरकार नहीं सुनती है तो क्या इनका प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा। सर, आप यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, आपके कार्यकाल में पेट्रोल डीजल के दाम 60 से 70 रुपये थे, लेकिन आपके जाने के बाद अब इतने रेट बढ़ गए हैं। कांग्रेस के टाइम में डीजल पेट्रोल के रसोई गैस के कभी इतना पैसा नहीं बढ़ा। हमारी समझ से बाहर है कि मोदी सरकार और केजरी सरकार इस डीजल पेट्रोल गैस के पीछे पड़ के ही जनता का क्यों शोषण करना चाहती है। सर, सरकार जो है गैस की हम बात करें तो गैस 200 से 300 रुपए का सिलेंडर था, लेकिन अब 800-900 रुपये करके हमें सब्सिडी दे रही है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि गैस सब्सिडी भी ख़त्म कर दी जो देते थे अब, और डीजल को आसमान छू गया, और ये इसी रफ्तार से चले गए, और जनता ने नहीं इसका उल्लंघन किया, नहीं प्रोटेस्ट किया। ये तो 100 रुपये से 10 दिन में कुदा देंगे इसको, जब जनता को और पता चलेगा देश का क्या हाल हो रहा है। सर, दिल्ली की सीमाओं पर किसान भी पिछले 6 महीने से बैठे हैं, वो भी अपनी मांग बार बार कर रहे हैं, सरकार से भी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी नहीं सुन रही। ऐसे में आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इससे भी सरकार के ऊपर कोई जू चलेगी? किसानों के हम समर्थन में हैं, आगे भी रहेंगे, पहले भी थे, और ये अभी की इस सरकार के कोई जू चलने वाली नहीं है। कोई खुदा इनको कोई करिश्मा दिखा दे तो ये आगे चलेंगे, नहीं तो इनकी देश के प्रति कोई भावना अच्छी नहीं है। मजदूर है, बेरोजगार हो गया है, 1.5 करोड़ नौकरी के वादे किए थे, कहाँ है वे 1.5 करोड़? लेकिन 1 करोड़ तो नौकरी चली गई, वो चली गई, 1.5 तो देने की बात थी, एक और चली गई। वैसे तो इन्होंने 15 लाख गरीब आदमी के खाते में भेजने की भी बात की, कहाँ आगे 15 रुपये आए किसी के खाते में। लेकिन अभी 50 लाख बचे हैं, अभी तीसरी लहरी बाकी है, तो ऐसे में 50 लाख लोगों की और चली जाएगी। हम बिल्कुल ऐसा होगा अगर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। आप ये बताइए मुझे, बंगाल का इलेक्शन, यूपी में पंचायत का इलेक्शन, ये इलेक्शन देश के हालात को देखते हुए क्या 6 महीने पोस्टपोन नहीं किए जाने चाहिए थे? जिसे ये महामारी का इंजाम करना चाहिए था। इन्होंने लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले हैं, वो ब्लैक में चल रहे हैं, दवाइयां ब्लैक में चल रही है, तो देश पे किस चीज़ का कंट्रोल है? कह रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अजी, कानूनी कार्रवाई, जिसके घर से बंदा मर गया ऑक्सीजन के बगैर, उस कानूनी कार्रवाई को उस परिवार को क्या बेनिफिट मिलेगा? देंगे कुछ बेनिफिट? ये तो कांग्रेस के राज में हर जनता खुशी थी, अब इनके राज में जनता दर दर रो रही है, भटक रही है। तो ऐसे में हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे, कब तक इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशेष त्यागी है, मैं अलीपुर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और जिस तरह से आज तेल की महंगाई इतनी बढ़ाई हुई है, आज जनता जो तरस रही है, क्योंकि एक तो ऊपर से कोरोना काल है और ऊपर से इतनी महंगाई है कि लोगों के बेरोजगार वैसे ही हो चुके हैं, और उनको अपना जीवन पालन करने में आज बड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आज जहाँ पूरे देश में चारों तरफ महामारी है, कोविड से जनता परेशान है, पिछले 1.5 साल से लोगों के रोज़गार बंद हैं, वहाँ केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों मिलके जनता को लूटने का काम कर रही हैं। आज हम पूरे दिल्ली में और पूरे भारतवर्ष में आज के दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मना रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो जो प्रति बैरल जो तेल का, कच्चे तेल का जो रेट था वो $107 प्रति बैरल था। उस समय इस देश में तेल की कीमतें थी वो लगभग 70 रुपये थी। ये सरकार जो सबसे ज़्यादा शोर मचाती थी कि किसानों पर मार है, तेल की मार है, आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से भी कम है, लेकिन जो कीमत लगभग 35 से 40% अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घटी है
उसके बावजूद भी आज इन्होंने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार की है। 105 ये जनता पर सीधी मार है, अत्याचार है। जहां आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, लोगों के रोजगार छूट रहे हैं, वहीं केजरीवाल जी ने वैट का टैक्स जनता के ऊपर लगाया है, वहीं केंद्र सरकार ने भारी टैक्स तेल के ऊपर लगाए हैं। हमारी ये मांग है कि जनता की जो जेब जिस तरह से काटी जा रही है, वो जेब कटनी बंद हो और तेल की कीमतें कम हो। सर, सरसों के तेल भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, गरीब आदमी जो सरसों के तेल में अपना दाल रोटी बना के खा लेता था, आज सरसों के तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। कभी वो कीमत इतनी तेज नहीं हुई। तो हम डीजल पेट्रोल के साथ हर जनता से, सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से आज जनता के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इन कीमतों को कम किया जाए और जनता को राहत दी जाए। क्या लगता है मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जब देश में तेल 60 रुपये प्रति लीटर था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत थी वो $107 प्रति बैरल थी। आज वो कीमत $107 प्रति बैरल से घट के $70 प्रति बैरल से भी कम है, $68 प्रति बैरल है। तो आप देखिए, जहाँ 35-40% कीमतें घटी हैं, वहीं जनता सरकार ने जो है लोगों की जेब को काटने का काम किया है। सर, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे क्या कुछ लाभ होगा? क्योंकि ऐसे ही जो प्रदर्शन हुए पिछले 7 महीने से किसान बैठे हैं, लगातार अपनी मांगे मांग रहे हैं, उनकी भी मांगे नहीं सुनी जा रही है। हमारा काम है अपनी आवाज उठाना, जनता के हित की लड़ाई लड़ना और इस गूंगी बहरी सरकार को सचेत करना कि जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हम इस तरह के प्रदर्शन पूरे देश में करते रहेंगे। डीजल पेट्रोल की अब देखिए, माल भाड़े की अगर बात करें तो सबसे सीधा संपर्क उसका डीजल की कीमतों से है। अगर किसान की हम बात करें तो किसान जो खेती करता है वो ट्रैक्टरों से करता है, जो पानी के इंजन चलते हैं वो डीजल से चलते हैं। सीधा इसका असर किसान की जेब पर पड़ता है, आम आदमी की जेब पर पड़ता है, महंगाई से पड़ता है।